युवक की लहूलुहान खून से लथपथ मिला शव। सपा के विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव कार्यकर्ताओं संग बैठे धरने पर। चहनिया बलुआ थाना क्षेत्र के स्थानीय गांव निवासी मुंशी सोनकर 27 वर्षीय पुत्र मंगरू सोनकर की बीती रात हत्या कर पलिया साई पोखरे के पास मैदान में फेंक दिया गया। वहीं सूचना पर पहुंची बलुआ पुलिस बिना परिजन को सूचना दिए पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया, जिससे आक्रोशित होकर सपा विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव कार्यकर्ताओं संग धरना पर बैठ गए। वहीं थाना अध्यक्ष सूर्य प्रताप सिंह को लाइन हाजिर करने के आश्वासन पर धरना खत्म हुआ। रिपोर्टिंग सुजीत कुमार चंदोली। सीधे डेड बॉडी को इन्होंने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अब इनका संवैधानिक अधिकार है कि कम से कम डेड बॉडी इनके साथ जाती है, लिखा पड़ी होती है, तब पोस्टमार्टम होता है। ऐसे तो होता नहीं है। पुलिस न जाने क्या छिपाना चाहती है। अभी कल डेड बॉडी घर वालों को भी नहीं देंगे, मोबाइल वीडियो दिखा देंगे, फिर इनकी लाश भी। अब इनके घर के लोग कह रहे हैं कि थाने में इनका 2-3 घंटा रोज बीतता। यशोजी के लोग ने भी इनको फोन करके बात की है, बता रहे हैं जो भी यहाँ के पुलिस के लोग हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस कहीं उठा के इनको ठोकने का काम किया हो। अब तो हल्ला गुल्ला हो गया, नहीं तो काउंटर दिखा दिए होते। तो इसका राज तो खोले ना, कौन हत्या किया इसका? अभी तक प्रशासन द्वारा कोई जवाब मिला है कि नहीं? कुछ जवाब नहीं, मौनी बाबा बन के खड़े। अभी देख रहे हो, हम लोग कहे तो विरोधी की बात हो जाती। महामहिम राज्यपाल का बयान छपाया है, इसके अपराधी या पुलिस दोनों मिलते हैं तभी अपराध होता है। बिना इनके जानकारी में घटना नहीं है। इसका राज खोलें, कौन अपराधी है, कौन हत्यारा है, उसको सामने लाए। अब परिवार के लोगों को डेड बॉडी दें और उसके बाद अपना जाके लिखा पढ़ी करें, पोस्टमार्टम करें। कोई नहीं, ये किस वजह से क्या राज है डेड बॉडी न देने का, ये तो बताए। उनको फांसी हो रही थी, डेड बॉडी देते, गरीब आदमी क्या करते बेचारे। अरे चारा परिवार के लोग उनके मृत शरीर को देख लेते, सुन लेते, अपना ले जाते। एक पूरी तरह से पुलिस अपराध में खुद लिप्त है, या बताना नहीं चाहती है, कोई राज छिपाना चाहती थी इसलिए परिवार के लोगों को वहां नहीं ले गए। इसका खुलासा तो पुलिस को करना चाहिए ना। था बाप रो रहा है थाने से लेके चानिया से दौड़ रहा, अभी दरोगा ने दे रहा ना। चलो बात कर लो, जाओ मेरी बात। ऐसे लिंगरान रहेगा, ऐसे लिंगरान रहेगा, उसको उसको निकालो। तो सवाल ये है कि एसपी कप्तान कहाँ आके चले जा रहे हैं, जब पूरी चंदौली की जनता यहाँ बैठी है, जनप्रतिनिधि बैठे हैं, सारे लोग बैठे हैं, गरीब बैठे हैं, उसके घर के पीड़ित लोग बैठे हैं। तो यहाँ उनको आना चाहिए और उसके घर के लोगों को बताना चाहिए कि इतनी देर में अपराधियों की वो पकड़ कर लेंगे। अच्छा, सवाल ये भी होता है, जैसे परिवार और तमाम लोगों ने यह आरोप लगाए हैं कि पुलिस ने उनका एनकाउंटर किया है या फिर उनकी हत्या में भी इनका हाथ हो सकता है, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ये आरोप हमारे जनप्रतिनिधियों ने और सारे लोगों ने लगाया। वो इसलिए लगाया कि अगर आपको पता है कि मुंशी की हत्या हो गई तो आपने परिवार के लोगों को क्यों नहीं बुलाया? आप पूरे परिवार के लोगों को जानते थे, वो ऐसा नहीं कि घर का अकेला था, उसके फादर थे, चार चार भाई है, आप किसी को तो बुलाए होते। और अभी पब्लिकली कोई एक एसएचओ आके कह रहे थे कि रास्ते में शिनाख्त हो गई थी, रास्ते में हमें पता चल गया था। आप रास्ते के शिनाख्त के आधार पर किसी का पीएम कैसे करा सकते हैं? उसके उसके जेब से आधार कार्ड भी मिला था, पुलिस ने वही